कुछ दिनों में फ्रेंड्स ठंड आने वाला है, और अगर आप हैवल्स गीज़र को परचेज़ करने जा रहे हैं तो भाई इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि हैवल्स का कौन सा मॉडल आप लोगों को लेना चाहिए, कौन सा टॉप मॉडल है और किस मॉडल में प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिलने वाला है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तीन गीज़र को आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि हैवल्स का मॉडल है, अलग अलग मॉडल, तो उस चीज़ को कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को खुद से रिकमेंड करूँगा कि कौन सा मॉडल का गीज़र आप लोगों को लेना चाहिए जो कि हैवल्स का है। ठीक है, सबसे पहले जो मॉडल है वो है हमारा इंस्टोनियो, सेकंड जो मॉडल है वो हमारा प्योर टर्बो डीएक्स है, थर्ड जो मॉडल है हमारा वो है हमारा एडोनिया। ये तीन मॉडल को कवर करेंगे और इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कौन सा मॉडल आप लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली बहुत से जो मेरे ऑडियंस है उन लोगों को आइडिया नहीं है कि कौन सा मॉडल हमें लेना चाहिए कौन सा मॉडल नहीं लेना चाहिए। बस वो जाते हैं और हैवल्स गीज़र पूछ करके वो ले लेते हैं और हो सकता है कुछ दिनों में आप लोगों को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इंस्टेंट वाटर हीटर लेना चाह रहे हैं या फिर स्टोरेज वाटर हीटर लेना चाह रहे हैं आप लोग। ठीक है, अगर आप इंस्टेंट वाटर हीटर लेना चाह रहे हैं तो बेसिकली वो हमारा किचन के लिए होता है, और जो स्टोरेज वाटर हीटर होता है वो हम लोग में स्पेस उसमें ज़्यादा रहता है और पानी स्टोरेज उसमें ज़्यादा होता है। जैसे कि स्टोरेज वाटर हीटर जो रहता है वो हमारा आता है 10 लीटर का, 15 लीटर का और 25 लीटर का, इस तरह से हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। अगर हम लोग दो जन हैं तो 10 लीटर में हमारा काम आ जाएगा, चार जन हैं तो हम लोग 15 लीटर में काम आ जाएगा, अगर हम लोग चार जन से थोड़ा ज़्यादा है, छः जन हैं या फिर आठ जन हैं तो हम लोग बेसिकली 25 लीटर में काम ईजिली हो जाएगा। तो ये स्टोरेज वाटर हीटर, तो जिसका कैपेसिटी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग अपने हिसाब से इसको परचेस करते हैं कि कितने जन में कौन सा गीज़र हमें लेना ज़रूरी है। ज़्यादातर जो मॉडल, ज़्यादातर जो लीटर परचेस होता है वो हमारा 15 लीटर का होता है, जो कि ये मीडियम साइज़ होता है, जो तीन जन या फिर चार जन या फिर पांच जन भी इजीली हम लोग यहाँ पे नहाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को बस पॉइंट वाली चीज़ बताना चाहूँगा कि कौन सा गीज़र आप लोग लेना चाहिए कौन सा मॉडल का। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे पहले मॉडल के बारे में, जो कि हमारा है एडोनिया वाटर हीटर। एडोनिया जो हैवल्स का गीज़र है वो बहुत खूबसूरत है, काफ़ी बेस्ट मुझे लगता है देखने में, और ये सुंदर का बात करें तो भाई इसका जो लाइट जो रहता है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। दो तरह का मॉडल इसमें भी आता है एडोनिया में, पहले तो एडोनिया एक रेगुलेटर सिस्टम का आता है, दूसरा जो एडोनिया रहता है वो टच वाला आता है, आप लोग देखे होंगे, और साइड में लाइट रहता है जो कि लाइट उसका चेंज भी होता है, कलर चेंजिंग का उसमें ऑप्शन रहता है। जैसे पानी पूरा हीट होता है ऑटोमेटिक जब अंदर से ट्रिप करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा या फिर आप लोग को पता होगा। तो भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो मॉडल आता है, दो मॉडल, एक जो एडोनिया का कलर चेंजिंग वाला ऑप्शन है डिजिटल वाला जो टच पैनल वाला होता है, और दूसरा जो रेगुलेटर पैनल होता है, ये दोनों में बेस्ट कौन सा है ये शायद आप लोगों को पता ना हो। तो चलिए उसको सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। एडोनिया में जो ये दो मॉडल है, रेगुलेटर वाला जो ऑप्शन रहता है एडोनिया का, वो काफ़ी बेस्ट होता है, उसमें भी कलर चेंजिंग का ऑप्शन है ऑटोमेटिक, जो इसका रेगुलेटर रहता है उसमें दो कलर का ऑप्शन रहता है, पानी गर्म होने के बाद ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज हो जाएगा जो रेगुलेटर में कलर रहता है। और इन दोनों में कंपेयर करेंगे टच वाले में और रेगुलेटर वाले में, तो भाई रेगुलेटर वाला जो रहता है वो काफ़ी बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम पीसीबी का आता है वो हमें कम देखने को मिलता है रेगुलेटर वाले में, जो कि मैनुअल यूज़ होता है, और जो टच वाला रहता है जो आपको डिजिटल में देखने को मिलता है, जो ऑटोमेटिक वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है या फिर डाउन होता है, जो आपको डिजिटल में शो होता है, वो प्रॉब्लम आना कुछ सालों में शुरू हो जाता है। उसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है वो हमारा आता है पीसीबी का। पीसीबी आपको डेढ़ साल दो साल के अंदर आपका पीसीबी का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, जो कि टच वाला होता है, क्योंकि वो जब ऑटोमेटिक वोल्ट ज़्यादा होता है तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, जिस कारण से क्या होता है कि हमारा जो पीसीबी रहता है वो ख़राब हो जाता है। अगर एक बार पीसीबी ख़राब होता है, सेकेंड बार में भी ख़राब होने का चांस रहता है, थर्ड बार में भी ख़राब होने के चांसेस हो जाता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा, अगर आप एडोनिया का वाटर हीटर परचेज़ करने जा रहे हो तो रेगुलेटर वाला आप लो, या फिर आप एडोनिया का कोई और मॉडल सोच रहे हो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया टच वाला, तो भाई ये आप मत लेना क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आता है। ऐसे में सजेशन आप लोगों को यही दूंगा कि एडोनिया का जो ये वाटर हीटर आता है, दोनों बेसिकली, एक रेगुलेटर वाला एक आपका टच वाला, तो इन दोनों में कोई ना लें आप, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ ही जाता है पीसीबी का। ठीक है, अब हम लोग सेकंड वाले मॉडल के बारे में बढ़ते हैं हम लोग, वो है हमारा इंस्टोनियो। इंस्टोनियो आपको वर्टिकल शेप में देखने को मिलेगा, स्पेस थोड़ा इसमें ज़्यादा लेता है। एंड गाइस, हैवल्स का ऐसे जो भी मॉडल्स होते हैं वाटर हीटर में सारा बेस्ट होता है, मतलब आपको गर्म पानी जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। प्लस इसमें बेनिफिट ये है कि हैवल्स का जो भी गीज़र होता है सारे में आप लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट होता है, मतलब जल्दी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है।
एडोनिया छोड़ करके जो भी इसमें गीज़र था सारा लंबा टाइम के लिए चलता है, जल्दी प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। इसका जो टैंक होता है टैंक काफ़ी बढ़िया रहता है, स्टील का टैंक रहता है सारे गीज़र में, तो भाई ये लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी बेस्ट हो जाता है, लीकेज का भी प्रॉब्लम नहीं आता है हमारा जो गीज़र का टैंक रहता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आप लोगों को कि हैवल्स का गीज़र आप जब भी परचेस करते हो तो उसमें आप लोगों को सारा चीज़ इंक्लूड मिलता है। ऐसा नहीं कि आप जब गीज़र लेते हो तो पाइप आपको अलग से परचेस करना पड़े या फिर कोई और पार्ट्स अलग से परचेस करना पड़े, इसमें सारा चीज़ मिला हुआ रहता है। किसी किसी गीज़र में ये भी होता है कि प्लग आप लोगों को 3 पिन का टॉप अलग से लगाना पड़ता है जो कि ओरिएंट वगैरह में होता है, तो इसमें आपको वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लग आपको साथ में मिलेगा, पाइप वगैरह जो रहता है वो आपको साथ नहीं मिलेगा, तो ये भी काफ़ी बेनिफिट वाला चीज़ होता है कोई भी गीज़र के लिए कि हाँ इसमें सारा चीज़ हमारा इंक्लूड है, अलग से हमें परचेस नहीं करना पड़ेगा, अलग से पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये हैवल्स सारा चीज़ परचेस मतलब कि सारा चीज़ अपना प्रोवाइड करता है और थोड़ा सा प्राइस इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ ये चीज़ बहुत ही बढ़िया मिलता है इसमें आप लोगों को कि ये मजबूती वाला चीज़ देता है हमें और लॉन्ग टाइम के लिए हमारा काफ़ी बेस्ट होता है ये गीज़र। तो पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा जो गीज़र है वो हमारा इंस्टेनियो गीज़र है। इंस्टेनियो गीज़र जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी वर्टिकल शेप में आपको देखने को मिलता है, अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप 15 लीटर या फिर 25 लीटर का इजीली लगा सकते हैं इंस्टेनियो का। लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपको नोटिस करना है, नोटिस आप लोगों को ये करना है कि जब भी आप इस गीज़र को लगा रहे हो तो इसका जो बैक साइड में जो प्लेट रहता है उस प्लेट में जो फास्टनेट आता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसका जो फास्टनेट रहता है वो थोड़ा वीक रहता है। तो जब भी ये प्लेट लगाए आपका जो टेक्नीशियन आता है या फिर आप खुद टेक्नीशियन हो तो भाई उस प्लेट में फास्टनेट को चेंज कर दे, या फिर आप अगर आपका वॉल बढ़िया रहता है तो उसमें तो अच्छे से आ जाएगा, अगर वॉल थोड़ा सा वीक रहता है तो इसमें फास्टनेट को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो होता ये है कि जब उसमें लोड होता है पानी का लोड होता है तो वो धीरे धीरे मतलब तिरछा होने लगता है, या फिर अगर आपका वॉल कमज़ोर रहेगा तो वो हो सकता है कभी गिर भी जाए। तो इस चीज़ का आपको अपने माइंड में सेटअप रखना है कि जब भी हम इस इंस्टेनियो वाटर हीटर को हैंग कर रहे हैं तो बहुत ही बेसिकली तरह से हम लोगों को ध्यान देना है, नोटिस रखना है कि ये इसका जो स्टैंड रहता है बैक साइड वाला वो मजबूती से लगे। तो ये चीज़ होता है इंस्टेनियो में एक माइनस पॉइंट जो कि हमें इंस्टॉल करने टाइम इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ जो होता है वो हमारा ये आता है कि जब भी हम इंस्टेनियो वाटर हीटर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो भाई इसका जो लॉकिंग सिस्टम होता है जो हमारा पाइप लगा हुआ रहता है दोनों में तो उसको हम बढ़िया तरीके से टाइट कर दें क्योंकि उसमें पानी लीकेज के प्रॉब्लम आता है। तो ये कुछ चीज़ें माइनस पॉइंट होता है जो कि इंस्टेनियो में देखने को मिलता है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्लस पॉइंट इसका ये है कि बहुत जल्दी ही पानी आपको हीट सिंक देखने को मिल जाता है, 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पानी का पूरा गर्म देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें रेगुलेटर सिस्टम नहीं होता, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऑटोमेटिक ये काम करता है, ठीक है। इसमें आप खुद से इसको एडजस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकते हो, बाकी कटअप वगैरह ये ऑटोमेटिक आपका करेगा। तो इंस्टेनियो वाटर हीटर लेने का मतलब ये है कि आपके पास स्पेस बढ़िया होना चाहिए। बेसिकली आप लोगों को ये भी आपको 10 लीटर 15 लीटर और 25 लीटर में देखने को मिल जाएगा। और इसका लुक और डिज़ाइन के बारे में बात करें तो काफ़ी बढ़िया लुक आपको देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल लुक देखने को मिलेगा जो कि दूसरे भी गीज़र में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इंस्टेनियो ठीक ठाक है, काफ़ी बेस्ट नहीं है लेकिन हाँ बढ़िया है। हैवल्स के एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को जो कि मैं अभी भूल गया था, हैवल्स गीज़र में जो प्लग का सिस्टम देता है भाई काफ़ी प्लग का, उसमें रीसेट का भी ऑप्शन होता है। जैसे कि होता ही है कि जब भी हम लोग कोई भी गीज़र को लगाते हैं तो उसमें प्लग नॉर्मल प्लग रहता है, लेकिन इसमें प्लग में बहुत ही बढ़िया फीचर्स दिया हुआ है। अगर आपके टैंक में पानी नहीं रहता है और पानी नहीं रहने से गीज़र जब ट्रिप करता है तो आपका इसका जो प्लग रहता है वो वहाँ से ऑटोमेटिक वो ट्रिप कर जाता है। ट्रिप करने के बाद जब आपका पानी ऑटोमेटिक टैंक में आ जाएगा उसके बाद जब आप गीज़र को दोबारा ऑन करते हो, वो ऑन तो होगा नहीं, तो फिर प्लग में एक बटन रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है रीसेट बटन, उस बटन को जब आप प्रेस करोगे दबाओगे उसको तो ऑटोमेटिक आपका गीज़र स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी कमाल का इसमें फीचर्स लगता है। हैवल्स गीज़र में ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ मॉडल में हो सकता है ना मिले लेकिन ज़्यादातर मॉडल में आपको देखने को मिलेगा ये प्लग का, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये इंस्टेनियो वाटर हीटर के बारे में मुझे बताना था कि ये भी बढ़िया है, ठीक ठाक है, आप स्पेस के हिसाब से इसको लगा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा जो गीज़र आता है वो हमारा आता है प्योर टर्बो DX। तो ये काफ़ी कमाल का मॉडल मुझे लगता है, काफ़ी बढ़िया मॉडल लगता है क्योंकि इस प्रॉब्लम अभी तक मैंने बहुत ही ज़्यादा कम देखा है, जल्दी ये प्रॉब्लम इसमें आता नहीं आता। सबसे कमाल की चीज़ इसमें यह है कि जब भी ये गीज़र जहाँ पर भी लगाया भाई ये अभी लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी बेस्ट चल रहा है, जल्दी इसमें प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता है। सेकंड चीज़ ये होता है कि पानी जो गर्म होता है ये बहुत कम टाइम में गर्म होता है,
एंड गाइस इसमें लुक के बारे में बात करें तो लुक काफ़ी बढ़िया लगता है। टेम्परेचर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, पानी जैसे जैसे हीट होगा ऑटोमेटिक इसका जो कांटा रहता है सामने में वो ऑटोमेटिक अप होगा बढ़ेगा, तो ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया फीचर्स लगा। एंड गाइस इसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ रहता है एलिमेंट भी काफ़ी हैवी रहता है जो कि जल्दी इसमें प्रॉब्लम नहीं करता है, जल्दी शॉर्टिंग वगैरह का प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो प्योरो टर्बो DX आप लोग नॉर्मली प्राइस में मिल जाएगा 10 से 11 हज़ार में, और एडोनिया का जब हम बात करें तो एडोनिया का हमें 14,500 तक में ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएगा, और इंस्टोनियो जो हमारा वाटर हीटर रहता है वो हम लोगों का बेसिकली 8,000 या 10,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप पे लीटर वाइज भी इसे ले सकते हो, जो 10 लीटर का रहता है उसमें 500-1,000 का डिफरेंस रहता है, 15 लीटर का जो आप ले हो गीज़र कोई भी गीज़र इंस्टोनियो लो या एडोनियो लो या फिर आप प्योर टर्बो DX लेते हो सभी में 500-1,000 रुपये का डिफरेंस रहता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो रिकमेंड ये करूँगा 15 लीटर गीजर लो, सबसे बेस्ट रहता है, कोई तरह की इसमें दिक्कत नहीं आता है। एंड गाइस अब प्योर टर्बो DX का एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, जो कि मैंने खुद से नोटिस किया कि पानी लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम इसे देखने को हमें जल्दी नहीं मिलता है। इसका जो बैक साइड का जो क्लेम रहता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, काफ़ी हैवी रहता है, और इसमें जो फास्टनर रहता है वो काफ़ी मजबूत रहता है, बस जो लगाने वाला रहता है उसको अच्छे तरीके से लगाना आना चाहिए, अगर वो बढ़े तरीके से लगाता है तो इसमें गिरने का प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगा। तो ये हैवल से कुछ मॉडल था जो कि मुझे आप लोग बताना चाहिए कि इस मॉडल में क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या माइनस पॉइंट होता है। एक और चीज़ जो होता है जो आप लोग जानना ज़रूरी है, कोई भी गीज़र आप लगा रहे हो हैवल्स लगाओ या फिर कोई भी मॉडल का लगाओ, सभी में आप लोग का जो इनलेट बल्ब आता है उसे आप ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इनलेट बल्ब लगाने से बेनिफिट ये होता है कि आपका पानी रिटर्निंग नहीं आएगा, और जो पानी का प्रेशर जाता है वो आपका बेसिकली धीमा धीमा जाएगा और ठीक जाएगा। अगर कहीं ऐसा होता है कि हम लोगों का जो आउटपुट वाला पाइप आता है पानी का प्रेशर उसमें अगर कम आता है तब आप इनलेट बल्ब को हटा सकते हो, ऐसे नॉर्मली इनलेट बल्ब लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको अब समझ में आ गया कि कौन सा गीज़र लेना चाहिए कौन सा गीज़र नहीं लेना चाहिए। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, प्योर टर्बो DX जो होता है, मैं नाम भी सही से नहीं बता पा रहा क्योंकि थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो भाई जो प्योर टर्बो DX मॉडल का गीज़र है वो आप इजीली परचेज़ कर सकते हो, इजीली आप ले सकते हो, कम प्राइस में आपको अच्छा से अच्छा ही फीचर्स ये आपको प्रोवाइड करता है, जल्दी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है और लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। एलिमेंट बहुत हेवी रहता है, टैंक आपको स्टील टैंक देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताना था कि एडोनिया का मॉडल का जो गीज़र रहता है उसमें PCB का प्रॉब्लम आता है, जो इंस्टोनियो वाटर हीटर रहता है उसमें वर्टिकल से भी मिलता है, थोड़ा सा खूबसूरती और लुक उसमें देखने को नहीं मिल पाता है, लेकिन जो आप लोगों का प्योर टर्बो DX रहता है वो काफ़ी कमाल का मॉडल है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लाइट का भी सिस्टम उसमें बढ़िया दिया हुआ है, प्लस उसमें जो नीचे में आप उसका वाटेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि हमें 1,000 वाट पे चलाना है या फिर 2,000 या फिर 3,000, इस तरह से जो वाटेज का भी सिस्टम रहता है तो इजीली आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी उसे कर सकते हो। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर्स रहता है कोई भी गीज़र के लिए कि इतना अच्छा फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है। बाकी हैवल्स का जो भी गीज़र रहता है भाई वो काफ़ी कमाल का है, काफ़ी बढ़िया गीज़र होता है। हैवल्स का गीज़र लगाने का मतलब यही होता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम जल्दी नहीं देखने को मिलेगा, और ये जो ब्रांड है ये काफ़ी तगड़ा ब्रांड है और काफ़ी सालों से अपना नाम ये बना करके रखा हुआ है। तो ये कुछ अपने वीडियो के माध्यम से मुझे कवर करना था, ये चीज़ आप लोगों को बताना था मुझे आप लोगों को कि हैवल्स का कौन सा मॉडल आप लोगों को लेना चाहिए और कौन सा मॉडल नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।